हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो टुडे सब्जेक्ट इज ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड टॉपिक इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स के क्या एलिमेंट्स होते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक इज डिराइव एट टू ग्रीक वर्ड्स ओकोइज एंड नोमीन नेमीन। ओकोइज मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमीन मतलब होता है मैनेजमेंट। द इकोनॉमिक्स मीन द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक का मीन क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ सोर्स रिसोर्स ऑफ सोसाइटी हैविंग द अल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाता है। हैविंग द अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव इसका यूज होता है प्रोड्यूस और गुड्स की सर्विसेज के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इकोनॉमिक इज अ स्टडी मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज एग्जामाइंड दैट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट लाइकली क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज टू द मटेरियल रिक्वेस्टीज एंड वेल बींग। बेसिकली बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्वायरिंग एंड यूज ऑफ द वेल्थ, जो कि कंसर्न करती है एक्वायरिंग और वेल्थ के यूज के लिए। ओके, देन देयर आर थ्री मेन ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की तीन मेन ब्रांचेज होती हैं। डेस्परेटिव इकोनॉमिक्स, डेस्परेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट डिस्क्राइब द रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द इकोनॉमिक फील्ड सच एज इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ इकोनॉमिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है लाइक इंडियन एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, फॉरेन ट्रेड को। ओके, फिर आता है इकोनॉमिक थ्योरी। इट एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या करता है, किसी इकोनॉमिक सिस्टम की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल, इट एक्सप्लेन एज टू हाउ प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज आर डिटरमाइंड। ये एक्सप्लेन करता है किसी की भी प्रोडक्ट के प्राइसेस को और उसकी सर्विसेज को डिटरमाइन करता है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस इज मेड विद अ व्यू असर्टिंग टू द कॉजेज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। ये इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होती है, मेड होती है असर्टिंग ऑफ कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट्स के लिए। ओके, देन इन ऑर्डर ऑफ स्टडी ऑफ एलिमेंट इकोनॉमिक इज फॉलोइंग एक्सेप्ट्स इकोनॉमिक मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज आर फॉलोइंग इकोनॉमिक कैन बी अडॉप्टेड। इट एन इंडस्ट्रियल हाउस ड्रग स्टोर इकोनॉमी कैन बी अडॉप्टेड इन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स या ड्रग्स। ओनली द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आर परचेज। द लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन आर एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है, इन इंडस्ट्रियल हाउस ड्रग स्टोर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल हाउस ड्रग स्टोर इकोनॉमिक कैन बी अडॉप्टेड बाय परचेज द रॉ मटेरियल। कैसे अडॉप्ट किया जाए, परचेज द रॉ मटेरियल या किसी ड्रग या रॉ मटेरियल को परचेज कर के। दैट इज़ ओनली रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल, जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल दैट टू अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर के हिसाब से क्वांटिटी जो है वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं हम, ओनली दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विच आर इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल। केवल वो प्रोडक्ट ही परचेज करते हैं या वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ही प्रोड्यूस करते हैं जिनका इकोनॉमिकल हो और प्रॉफिटेबल हो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डन इकोनॉमिकली। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग इकोनॉमिकली डन होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड प्रोडक्ट मिनिमम रेट शुड बी क्यूटेड। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो उस समय मिनिमम रेट पर खरीदेंगे। और टाइम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड बाय टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ
मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जब आप बेचेंगे तो एक मार्जिन प्रॉफिट का लेके ही उसे बेचेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पीपल आर इंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्न मनी विच कॉल्ड इज ऑक्यूपेशन। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के कई पार्ट्स होते हैं जिन्हें ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। लाइक बिजनेस, फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस मीन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ प्राइमरली डन विद द पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्राइमरली डन करी जाती है किसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, पर्पज़ उसका यही होता है। इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसमें प्रोडक्शन गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, और रेगुलर बेसिस कैरीज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, एक एलिमेंट रिस्क का कैरी करता है। प्रोफेशंस, प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स द ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड नॉलेज। इसमें क्या होता है प्रोफेशन में, इसका मतलब क्या होता है कि कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग या कोई नॉलेज दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फिजिशियन हो, फार्मासिस्ट हो। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पर्सन टू एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सर्विस। अब आता है इकोनॉमिक सिस्टम। एन इकोनॉमिक सिस्टम डोनेट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप विच अराइज द कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी सिंपल एंड ईजी फॉर द ह्यूमन बींग एंड सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच इज अडॉप्टेड बाय द पर्टिकुलर कंट्री दैट हाउ टू रिसोर्सेज ऑफ अलॉटेड प्राइसेज एंड आर फिक्स्ड ETC। फिर आता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट सिस्टम देर आर फ्रीडम टू एवरी काइंड, हर तरह की फ्रीडम होती है। द प्रोड्यूसर आर फ्री फॉर एक्वायर एनी प्रॉपर्टी एंड प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है कोई भी प्रॉपर्टी या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। द कंज्यूमर्स आर फ्री फॉर यूज द प्रोडक्ट एंड इन एनी अमाउंट ऑफ सेटिस्फाइड देयर वॉन्ट्स। कंज्यूमर्स फ्री होते हैं, वो जिस अमाउंट पे सेटिस्फाइड है उस अमाउंट पे खरीदने के लिए। दे आर ऑल्सो टू लिबर्टी टू स्पेंड द इनकम एनी वे दे लाइक। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली इन हैंड्स टू प्राइवेट ओनर्स हु ऑपरेट देम टू अर्न प्रॉफिट। Now, it is a system role government is to protect the producer and consumers so as to avoid the unhealthy competition among the producer and to provide the essential services to public economically. अब advantage पे आते हैं। Better economic development increase the production and improvement the science and technology spheres. अब आते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द लार्ज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर ओन द कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है? लार्ज और बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं। इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ऑल्सो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, फिर आते हैं एडवांटेज। रिडक्शन ऑफ इनइक्विटी ऑफ इनकम, इनकम की इनइक्वालिटी को रिडक्ट करता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इन मिक्स्ड इकोनॉमिक द एक्टिविटी ऑफ बोथ सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम आर यूज्ड इन। It means some economic activity are controlled by the government and some economic activity are kept open for the public. Thank you.